हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के कॉर्नर ट्रेवल जर्नी में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से कोलकाता। तो आज का जो ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का। तो चलिए अब यार टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आप लोग को वीडियो में पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग ये बात पर वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम है कैसा। तो जैसे मैं बता था कि आज हम फिर से राजधानी राजधानी ट्रेवल कर रहे हैं। आज का जो राजधानी है उसका नंबर है 1232012302 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। और ये आज यहाँ प्लेटफॉर्म 15 से न्यू दिल्ली से खुलेगा करीब 4:50 पे। और अभी देखते हैं कि जीत पे आए नहीं है तो ये घंटा बाकी है। और यहाँ पर अगर टीसी हम लोग के जो है दिल्ली बीच लगा हुआ है, दिल्ली यूनिवर राजधानी लगा हुआ है। और दिल्ली के साथ जो है अभी पटना और रांची आएगी, अभी रांची राजधानी आएगी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। टाइम में रहता है मैं आप लोग को बता दूँ। ड्यूरेशन टोटल वो करीब करीब यहाँ से खुलती है 4:50 पे। और उसके बाद फिर आपको हावड़ा खुलता है सुबह में करीब 9:50 में, यानी करीब करीब आपको 10 घंटा जो है। और बता दें तो करीब से करीब 19 घंटा का ट्रेन जाती है। तो अब जैसे ही ट्रेन आता है आप लोग को हवे का ट्रेन जरिए पूछता हूँ। तो फ्रेंड्स जो आज का ट्रेन है वो आ चुका है, जो कि हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी हावड़ा 302। और हम लोग का जो कोच है वो है A1 सेकेंड AC कोच है। और इस बारे में हम अभी इंटर करेंगे, जस्ट अभी आया है। और मैं आप लोग यहाँ दिखा देता हूँ कि इस साइड जो है प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे सियालदह राजधानी लगी हुई है, जो करीब बस 10 मिनट पहले जो है ये हावड़ा राजधानी से चलती है। तो पहले सियालदह राजधानी जाती है 4:40 में और फिर 4:50 में ये हावड़ा राजधानी जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है यहाँ पर सीट पर बैठ चुके हैं। और अभी सब सब पर्दा वापस सब चीज लग चुका है, ये पूरा बाहर का पर्दा। तो आप लोग हम बाहर का स्टेशन खाली है, सबको इसी ट्रेन में क्या करना है। और जैसे मैंने बताया वो लगा हुआ है आपका सियालदह राजधानी, क्योंकि तो 10 मिनट पहले चलेगा। और यहाँ पर हम लोग का जो सीट है ये लोअर बर्थ है, एक्चुअली अपर बर्थ है, बट अभी इतनी आपको याद नहीं। तो अभी हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। सेकेंड ए सी का हम लोग का कोच है, दो दो सीट से दिया हुए हैं। तो हम पूरा यहाँ पर्दा लगा के आराम से बैठे हुए हैं। तो थोड़ा मैं आप लोग को जो यहाँ ट्रेन चलेगा तो मैं आप लोग पूरा आगे का फर्स्ट ए सी कैसा है, सेकेंड ए सी कैसा है, थर्ड ए सी कैसा है और क्या क्या चीज़ हम लोग मिल रहा है वो सब डिटेल्स बताऊँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ट्रेन है ये आपका गया मुगल सराय के बाद गया रूट से जाता है, जो कि अथवा होता जो भी आपका कोलकाता के लिए जो दो राजधानी है, यानी एक ही राजधानी हावड़ा राजधानी है। वो एक दिन जो है वो पटना रूट से होके जाती है और एक दिन जो है आपको और बाकी 6 दिन ये गया रूट से होके जाती है। तो मैं आपको आगे बताऊँ, थोड़ी मैं बताता हूँ ये इसका क्या रूट है। तो बताता के लिए मैं आपका यहाँ पर सेट कर देता हूँ सबसे, और फिर मैं उसके बाद आप लोग को जब ट्रेन खुलता है तो मैं आपको आगे का डिटेल देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है अभी न्यू दिल्ली से अभी जस्ट थोड़े पैर निकल चुके हैं और ट्रेन जो है बिल्कुल ही राइट टाइम खुला है। और यहाँ से खुलने के बाद इसका 2 स्टॉपेज कानपुर, अलाहाबाद और मुगलसराय है। उसके बाद से जो ये सब का सेम स्टॉपेज रहता है सभी राजधानी का,
ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो है ये मुगल सराय के बाद से गया रोड पे चला जाएगा, तो जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को आगे का दिखाऊंगा। और अभी तक यहाँ से खुला, अभी देखते थोड़ा जो हम लोग क्या क्या स्नैक्स और क्या क्या चीज़ मिलता है, तो जैसे जैसे मिलता है पे दिखाओ। अभी देखते तो बाहर काफ़ी धूप है, और यहाँ से भी एक ट्रेन गुजर रहा है जो कि आपका पश्चिम एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस है जो कि आपका अमृतसर जाता है, बांद्रा से अमृतसर जाता है, बांद्रा में मुंबई से अमृतसर जाता है। तो कभी हम जल्दी ही इस ट्रेन का भी जाएंगे, अभी हम लोग अमृतसर जाने का भी प्लान है, तो जब आएगा तो जब प्लान एग्जीक्यूट होगा तब दिखाएंगे। और अभी ऐसा देख सकते हैं, अभी हम लोग जो है शिवाजी ब्रिज क्रॉस करते हैं, चलिए हम लोग अब चलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को इस ट्रेन से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये हम लोग का जर्नी जो है करीब 17 आवर्स का टोटल टाइम लेगा, और कल जो है आपको ये 9:55 यानी 10 AM से हावड़ा पहुँचाएगा, और बीच में ये सबसे पहले कानपुर, उसके बाद आपको अलाहाबाद यानी प्रयागराज, फिर मुगलसराय यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसके बाद गया, पारसनाथ और धनबाद और आसनसोल, और फाइनली हावड़ा के इसका एंड होगा। और इसमें जो हम लोग को फूडिंग का ये बताया गया है वो करीब अभी हम लोग 1000 में जो है वो स्नैक्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद फिर करीब 8 बजे रात में डिनर प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर कल सुबह में 8 to 9 PM के AM जो है हम लोग को इसका सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी थोड़ा देर में जो है हम लोग को करीब अभी हम लोग थोड़ा देर में इवनिंग स्नैक्स और टी प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जैसा कि देख सकते हैं हम लोग जो है बाहर में अभी आनंद विहार जो स्टेशन है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि बेड रोल और बेड लाइनिंग इसको कैसे है। तो ये देख सकते हैं ये बेड लाइनिंग जो दिया हुआ है ये कुछ ऐसा है, और क्वालिटी भी काफ़ी सही है, क्वालिटी ठीक लग रहा है देखने में। तो देख लेते हैं बेड रोल भी कुछ हद तक साफ ही है, साफ कर सकते हैं। इसमें दो रोल दिया हुआ है, एक बिछाने के लिए है, और एक ये जो है ये आपका हो गया ओढ़ने के लिए, और ये आपका फेस टॉवल दिया है, और साथ में पीछे जो नखे के अंदर पीछे ये है आपका पिलो दिया है, थोड़ा सा तो गंदा है ना, भी साफ नहीं है। तो अभी हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको जो इवनिंग स्नैक्स है वो कब आएगा। तो जैसे ही आता है हम लोग आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या 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 चीज़ दिया है। और फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स दे दिया गया। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक ये एप्पल जूस, इसके बाद ये सोहन के सोन पापड़ी, ये चना रोस्टेड चना जो होता है, ये मिक्सचर, कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे, ये हैंड सैनिटाइजर दिया हुआ है हैंड धोने के लिए, ये चीनी का पैकेट, ये कचौड़ी दिया हुआ है इसका स्नैक खाने के लिए, ये मिल्क मिल्क पाउडर, ये पता नहीं स्टिक दिया हुआ है खाने के कुछ, और ये कॉफ़ी मिलाने के लिए, और यहाँ पर ये स्ट्रॉ दिया हुआ है जिससे कि आप ये पी सकते हैं, और ये आपका उसका प्रेस का कंपनी का है, ये देखते हैं तो ये कैसा रहता है। तो ये जो है ये आपका वेज स्नैक्स है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग को इस ट्रेन का थर्ड टूर दे दूँ। तो सबसे पहले आप लोग को 5 AC का टूर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट एसी कोचेज है, और यहाँ पर ये अंदर से सब वादा ऐसा कि सब में रहता है, और यहाँ पर साइड में कुछ ड्राइंग जैसा भी बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूँ कि इसमें आपको ये ट्रेन में आपको 2 first AC के कोचेज है, H1 और H2, और इसके बाद ये कोच में जो है ये H1 सॉरी H2 है ये, और इसके बाद जो है आपको 2nd AC कोचिंग स्टार्ट होगा। हम लोग का से जो है आपका 2nd AC कोच होता है, तो स्टार्टिंग A1 से होता है क्योंकि हम लोग का A1 कोच है। और हम लोग सीट है वो यहाँ पर है, और
तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग को यहाँ डिनर हो चुका है सर, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 PM। तो डिनर में हम लोग जो मिला यहाँ पे चावल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये रोटी है, और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 रोटी दिया गया है, ये पनीर की सब्जी और ये दाल, साथ में दही दी हुई है, और साथ चार भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ आपको नमक दिया हुआ है। तो अभी हम लोग कैसा है इसका टेस्ट कैसा है, सब चीज़ कैसा है देखते हैं। और अभी जो है हम लोग वहाँ आगे में कुछ एडिटिंग चल रही है पुराने वीडियोस की, तो अभी हम लोग करते हैं लंच, सॉरी करते हैं डिनर, और उसके बाद फिर लगेंगे थोड़ा सा एडिटिंग पे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सोने के लिए, और फिर इसके आगे का अभी मैं बता दूँ डेट अभी तक इसका पहला स्टेशन स्टॉपेज जो कि कानपुर है वो नहीं आया, वो करीब आपको 9:30 पे आता है, तो जैसे आएगा तो मैं आप लोग को उसका बताऊँगा दिखाऊँगा कुछ। सो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं, और कई कई ट्रेन जो है 10 मिनट लेट पहुंचा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं विंडो से आप लोगों को बाहर का दिखा रहा हूँ, जो कि एकदम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म थोड़ा सन्नाटा पड़ा है, क्योंकि थोड़ा अभी कोई ट्रेन का टाइम है नहीं है आने जाने का, तो अभी पास सन्नाटा हुआ हुआ है। तो यहाँ जो है ये जो है आपको 5 मिनट ही ट्रेन रुकता है, और शायद यहाँ से चलेगा तो पहले आपको प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी कि मुगल सराय पे रुकेगा, उसके बाद आगे का जर्नी कंटिन्यू होगा। तो मैं आप लोग मिलता हूँ मुगल सराय के बाद से सुबह में, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो ऐसा थकावट हुआ हुआ है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोग सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी हम लोग हैं पारसनाथ स्टेशन पे, जिसका जो इसका अगला हॉल्ट है पारसनाथ स्टेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है, और काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ पर का, और यहाँ पर करीब 2 से 3 मिनट रुकता है, और इसके बाद जो है ये यहाँ से धनबाद के लिए चलेगा, और फिर से आसनसोल। तो हम लोग अभी यहाँ पर हल्का मुँह हाथ धोएंगे और फ्रेश जाते हैं, और इसका चलते हैं कि खाने में इसका हम लोग को नाश्ता मिलेगा, और जो सिग्नल भी हो चुका है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग को जो है मॉर्निंग टी मिल गया है, और यहाँ पर हम लोग को ये कॉफ़ी का पैकेट और ये बिस्किट का पैकेट दिया गया है, और इस कॉफ़ी के पैकेट में बाकी सब आइटम्स भी हैं, इसको खाते हैं। तो इसमें वही आपको कॉफ़ी शायद से ये आपको शुगर, और ये आपको क्रीमर दिया हुआ है, चलिए हम लोग बनाते हैं, और साथ साथ हम लोग ये चना भी खा रहे हैं, जो कि हम लोग कल रात का कल इवनिंग स्नैक्स में दिया गया था, तो उस टाइम खाएंगे तो अभी खाएंगे। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक जो है आप लोग बाहर का वीडियो इंजॉय कीजिए। और अभी हम लोग जो है धनबाद स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का
6:30 बज रहा है और ट्रेन जो है बिल्कुल राइट लाइन पे धनबाद घूम चुका है और यहाँ पे जो है करीब 5 मिनट स्टॉपेज है और ये जो है झारखंड में इसका लास्ट स्टॉपेज है झारखंड में, इसका डायरेक्ट आसनसोल पे रुकेगा जो करीब करीब यहाँ से 1 घंटा का दूरी पे है और इसके बाद जो है डायरेक्ट जैसे कि मैं बताया कि डायरेक्ट आसनसोल रुकेगा और फायदे में यहाँ से रेलवे चलने वाला क्योंकि 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है और यहाँ पर देख सकते हैं आसपास धनबाद जंक्शन जो कि फेमस है आपके गोल्ड माइंस के लिए और गोल्ड्स के लिए और साथ ही साथ ISM धनबाद के लिए जो ISM स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद इसके लिए फेमस है। तो चलिए अब देखिए कि यहाँ बहुत सिग्नल हो चुका है अपने ट्रेन का चलते हैं और आपको अगला स्टॉपेज मिलता हूँ जो कि होगा आसनसोल करीब करीब अभी से 1 घंटा के बाद पहुँचेंगे और तब तक जो है आसनसोल पहुँचने के साथ ही हम लोग को हो सकता है कि ब्रेकफास्ट भी मिल जाए या फिर उसके बाद मिले। चलिए हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। अभी आप लोगों ने जस्ट अभी जो रेलवे ओवर ब्रिज देखा वो एक रिवर ओवर ब्रिज था और वो आपका बरकार जो बराकार रिवर है उसके ऊपर सिचुएटेड है और जो बराकार रिवर है वो एक तरीका से आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है और बराकार जो स्टेशन है जो जस्ट वो ओवर ब्रिज खत्म होने के बाद आता है वो कल ही आपका वेस्ट बंगाल का एक बॉर्डर स्टेशन है और उसके आज से वेस्ट बंगाल शुरू होता है। तो अभी जो है हम लोग ऑफिशियली जो है हम लोग वेस्ट बंगाल में इंटर कर चुके हैं और हम लोग जैसा आप देख रहे हैं हम लोग अभी कुर्ती स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और अभी यहाँ से जो है करीब करीब आपको 10 मिनट में हम लोग आसनसोल पहुँच जाएंगे और इसके बाद जो है आसनसोल पहुँचते हैं जैसा मैंने बताया कि 10 मिनट में लोग आसनसोल पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मालगाड़ी यहाँ पर आपको बहुत सा आपको ऑलमोस्ट जितना आप ट्रैवल किया तो आपको ज़्यादातर मालगाड़ी दिखेंगे क्रॉस करते हुए और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रीनरी भी दिखाई देगा। तो चलिए अब हम मैं आप लोग से मिलता हूँ जब हम लोग आसनसोल पहुँचते हैं उसके बाद मैं फिर आप लोग से मिलता हूँ और आगे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे थे ये आसनसोल जंक्शन है और यहाँ पर जो था हम लोग का ट्रेन का स्टॉपेज करीब केवल 2 मिनट का था इसलिए हम लोग नीचे ट्रेन से उतरने हैं और ये ट्रेन जो है यहाँ से अभी खुल चुका है और ट्रेन जो है अभी थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा लेट से चल रहा है और अब मैं बता दूँ मैं यहाँ से कि यहाँ से जो है अब सीधा इसका फाइनल हॉल्ट है ये जर्नी का और इसका सीधा हम लोग अब हम लोग ट्रेन रुकेगा डायरेक्ट हावड़ा जंक्शन पर जो कि है 10 बजे इसका स्टॉपेज होगा हावड़ा जंक्शन पर। तो अभी हो रहा है टाइम 7:30 AM और थोड़ा देर में जो है हम लोग करीब 8 बजे के आसपास जो है हम लोग का ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो अब बस हम लोग करते हैं इंतजार और अब फाइनल फेज है हम लोग का ये जर्नी का तो थोड़ा देर और बने रहिए हम लोग के साथ और तब तक अभी आप लोग बाकी का जो आगे का व्यू है वो आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो अभी का अपडेट ये है कि हम लोग जो अभी जस्ट है दुर्गा को क्रॉस किए हैं थोड़ा देर पहले ही और अब हम लोग जो है आराम से बैठ के ये अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और उसका थोड़ा आराम करेंगे अभी भी 2 घंटा का जो जर्नी है वो बाकी है। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोग को सीधा हावड़ा स्टेशन पहुँच के तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा और बने रहिए। Thank you.
जो फ्रेंड्स अभी हम लोग होटल से उल्टी रामस का जन कंप्लीट करके हम लोग आ चुके हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और अभी स्टेशन है हावड़ा जंक्शन पे हम लोग फाइनली अराइव कर गए और हम लोग जो है टाइम से पहले यहाँ पर कई कंपनी स्टेशन को अराइव कर गए हैं और ये हम लोग मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।